माय नेम इज ज्योति एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर इन एकेडमी फॉर पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एन एकेडमी पे मैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे दो कोर्सेज पे टीच कर रही हूँ। एक है आपका क्रैश कोर्स ऑन एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 एंड सेकेंड है आपका प्रैक्टिस कोर्स ऑन एनवायरमेंटल साइंस विद एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो कन्वेंशंस है, मेनली एनवायरमेंटल कन्वेंशंस करेंगे, बिकॉज आप में से एक बच्चे ने इस चीज़ की डिमांड की थी और यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के अकॉर्डिंग ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो भाई आपका जो रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड के बारे में है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है आपकी फॉर द नेशनल एक्शन प्लान एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो भाई आपका रामसर कन्वेंशन की जो ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है आपका, मेनली द वेटलैंड अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन इंक्लूड्स ऑल लेक्स एंड रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड, स्वैम्प एंड मार्शेस, ओसिस, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, यूस्ट्रीज, मैनग्रूव्स एंड अदर कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ्स एंड ऑल द ह्यूमन मेड साइट्स सच एज रिजर्वायर्स, डैम्स, फिश पॉन्ड्स, राइस पैडीज एंड द सोल पेंस, ये सारे के सारे आपके वेटलैंड एरिया के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, जो आपका रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड वर्ड दिया गया है ना, उस वेटलैंड के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है आपका। इन सभी को कंजर्व करने की बात की गई है, इन सभी को वाइज यूज की बात की गई है, वाइज प्लानिंग के साथ इनको यूज किया जाए। ठीक है, इनके रिसोर्सेज को यूज किया जाए। इसके अलावा जो रामसर कन्वेंशन है भाई आपकी अडॉप्ट की गई थी 1971 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम ईरान में आई थी और फोर्स में आई थी 1975 के बारे में। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपका जो रामसर कन्वेंशन, इसके अंदर थ्री मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपके जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनके लिए उनका वाइज यूज करना, ठीक है, और उनके रिसोर्सेज को कंजर्व करना। तो वर्किंग टूवर्ड्स वाइज यूज ऑफ ऑल द वेटलैंड्स एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये था एक। सेकेंड है आपका डिजाइनेशन ऑफ स्टेबल वेटलैंड्स। जैसे हम रामसर कन्वेंशन के अंदर ही मोंटेक्स रिकॉर्ड पढ़ते हैं जो एक रजिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आपकी जो भी आपके इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस आपके रामसर साइट होती है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस होती है जिनकी, ठीक है, उन सभी की लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उन सभी की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो उस जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो एक प्रॉपर डिजाइनेशन के साथ में हो, ठीक है, उसके अंदर स्टेबल वेटलैंड्स इंक्लूड किए जाए जिनको यू कैन से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की नीड है। ठीक है, देन थर्ड कह रहा है आपका इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स इंक्लूड इन द रामसर लिस्ट। तो काफ़ी सारे ऐसे आपके वेटलैंड साइट्स होते हैं जो आपके दो कंट्रीज के बीच का एरिया होता है आपका ट्रांजिशन जोन, यू कैन से कि इस मान लो एक कंट्री ये है आपकी, एक कंट्री ये, इन दोनों की बाउंड्रीज पर अगर आपका कोई इस तरीके का कोई वेटलैंड या आपकी यू कैन से वेटलैंड साइट्स अगर आपकी पड़ती है तो दोनों कंट्रीज का, ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसकी टेक केयर करें, ठीक है, उसको कंजर्व करें। तो उसने यही बोला है आपका थर्ड पिलर्स में कि जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है फॉर ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स इंक्लूड इन द रामसर, ठीक है, कि दोनों जो भी आपकी दोनों कंट्रीज हैं उनका इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आई कैन से उनका दोनों का इक्वल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंजर्व करने की। देन हम बात करते हैं मोंटेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो मोंटेक्स रिकॉर्ड भी आपका ब्रिस्बेन में 1996 में आया था। ये आपका वो रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का जिसके अंदर उन इकोलॉजिकल साइट्स के नाम प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंदर चेंजेस हो चुके, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं, कैन अक्कर इन फ्यूचर, ठीक है, वे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अक्कर आर अकरिंग और कैन अक्कर इन फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ किस के रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक पॉल्यूशन, ठीक है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है उससे जो आपका उसके पोल्यूटेंट वगैरह रिलीज हो रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपकी किसी भी साइट्स के ऊपर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो उन सभी साइट्स के नाम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आपका वो प्रिंसिपल टूल है मोंटेक्स रिकॉर्ड आपका रामसर कन्वेंशंस का, ठीक है, जो रामसर लिस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर जो मोंटेक्स रिकॉर्ड था उसके बारे में। देन हम बात करते हैं कि इंडिया की ओर से मोंटेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से वेटलैंड्स है। तो देखो भाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तक 3 आपके वेटलैंड साइट्स के नाम यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, चिल्का लेक, ठीक है, लोकटक लेक एंड थर्ड इज केवलेडो नेशनल पार्क। तो आपका जो केवलेडो नेशनल पार्क है राजस्थान, ये 1990 में आया था,
1990 में इंक्लूड किया गया था मोटेक सिकोड के अंदर, लेकिन जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में है और 1993 में ऐड किया गया था। चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये भी 1993 में ऐड किया गया था, लेकिन 2002 में इसको रिमूव भी कर दिया गया। ठीक है, क्यों रिमूव क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, और कंडीशन काफ़ी बेहतर होने की वजह से इसको रामसर लिस्ट में से, यू कैन से आपका जो मोन्टेक सिकोड है उसमें से इसका नाम वापस ले लिया गया था। ठीक है, और इसी बात पे इसको अवार्ड भी मिला था, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था 2002 में। तो करंट टाइम पे आपकी दो ही साइट है आपकी मोन्टेक सिकोड के अंदर, लोकटक लेक एंड क्योलेडो नेशनल पार्क। ओके, देन हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस के बारे में, अदर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। फर्स्ट इज आपका यू कैन से क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका भी? फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था द फर्स्ट एडिशन टू द UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज में फर्स्ट एडिशन में आपको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये भी आपकी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, इसके अंदर ग्रीनहाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब ग्रीनहाउस गैसेस कौन कौन सी थी? CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, ये सभी। इसके अलावा कब आया, अडोप्ट कब किया गया, फोर्स में कब आया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों में। तो भाई आपका अडोप्ट किया गया था क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 में, लेकिन फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 में। ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की अगर बात करें, अब इसके अंदर दो कमिटमेंट पीरियड थे आपके। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दो कमिटमेंट पीरियड थे। फर्स्ट कमिटमेंट 2008 से 2012 तक था, और इसके अंदर 1990 के कंपेयर में आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है उसको 5.2% तक रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया था। सेकेंड कमिटमेंट 2013 से 2020 तक था, और इसके अंदर आपका 1990 के कंपेयर में 18% तक हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोथ पेपर वन एंड पेपर टू। देन हम बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तीन मैकेनिज्म है भाई आपके, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर डेवलपमेंटल मैकेनिज्म। होते क्या देख लेते हैं, ये एक फिगर आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन आपका आर्टिकल 6 के अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल में आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि एक इंडस्ट्रियल कंट्रीज, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, यू कैन से डेवलप्ड कंट्रीज, एक डेवलप्ड कंट्रीज दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज को फंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए फंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और जो यू कैन से जितना वो इमिशन को रिड्यूस करेगा उसी के बेस पे उसको यूनिट प्रोवाइड की जाती है। जैसे 1 टन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ऐसे ही आपकी दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज का होता है। ठीक है, यूनिट्स के बेस पे होता है ये आपका। तो इसमें जो यूनिट यूज़ की जाती है वो आपकी इमिशन रिडक्शन यूनिट। ठीक है, और ये 2008 में आपका इशू किया गया था इमिशन रिडक्शन यूनिट आपका। सेकेंड इज आपका क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म। तो भी क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म आपका आर्टिकल 12 के अंदर है। इसमें आपका क्या है, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, एक डेवलप्ड कंट्रीज, एक दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को फंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और जितना रिड्यूस करेगी उसको बोलेंगे सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। और ये कब हुआ था आपका? 2000 और इसके आगे आपका स्टार्ट हुआ था। देन थर्ड इज आपका इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। देखो ये आपका आर्टिकल 6 के अंदर है, और आपका क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म आपका 12 के अंदर, ये 17 के अंदर इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग में एक डेवलप्ड कंट्रीज दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज को पेमेंट प्रोवाइड करती है। देखो इसमें तो भाईचारा चल रहा था। ठीक है, एक डेवलप्ड दूसरी डेवलप्ड को फंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती, हेल्प कर रही थी, लेकिन इसमें पेमेंट। ठीक है, कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम इतना यूनिट आपके ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको इतना पे करना पड़ेगा, फंड नहीं पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट मेथड है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्रेडिट है उसको बोल रहे हैं इमिशन क्रेडिट। ये आपका 2008 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तीन मैकेनिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना गाइस। देन हम बात करते हैं मॉन्टर प्रोटोकॉल। तो मॉन्टर प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है ना, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं उनके लिए आपका, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए है भाई। तो आपका 1987 में आपका साइन किया गया था, लेकिन 89 में फोर्स में आया था। लेकिन इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी आपकी, किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, जो जिसको फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इन 2006, ठीक है, ये भी बोला जाता है। क्यों होता क्या है? तो भी किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका 15 अक्टूबर 2016 में हुई थी, ठीक है। पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडोप्टेड द किगाली अमेंडमेंट टू फेस डाउन प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ एच एफ सीज वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर आपकी जो एच एफ सीज है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसको फेज आउट करने की बात की गई, उसके प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों को फेज डाउन करने की बात की गई थी, ठीक है। जो एच एफ सीज थे वो आपके एज अ अल्टरनेटिव यूज किए जाते थे आपके एच सी एफ सीज एंड सी एफ सीज की जगह पे। देखो पहले हम सी एफ सीज यूज करते थे, फिर हम एच सी एफ सीज यूज करने लगे, लेकिन दोनों के आपके ओजोन डिपीटिंग सब्सटेंसेज है, ठीक है। लेकिन हमने जब इनका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया एच एफ सीज, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, ये ओजोन डिपीट तो नहीं कर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग करने लगा, तो इसलिए हमने इसको फेज आउट करने की बात की किगाली अमेंडमेंट में, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं वीना कन्वेंशन। तो भाई वीना कन्वेंशन आपका ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है जो 1985 में साइन किया गया था, लेकिन फोर्स में आया था 1988 में। तो जस्ट ये था आपका कि जो ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपका, या ठीक है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है, तो उनसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वीना कन्वेंशन आया था। फिर है आपका अर्थ समिट। तो भी आपकी जो अर्थ समिट है इसको UNCED भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आपकी रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुई थी, 3 जून से 14 जून 1992 तक चली थी, ठीक है। इसके अंदर आपके काफ़ी कंट्रीज ने टेक पार्ट लिया, ठीक है। तो द अर्थ समिट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स एज ऑफ 1992 विद 117 हेड्स ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव 178 नेशंस इन ऑल अटेंडिंग, ठीक है। तो ये था आपका भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो भाई जब की अर्थ समिट थी ना, इसी के आपके चार आउटकम निकले थे, एक थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक थी आपकी कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, एक था आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, एंड एक था आपका एजेंडा 21st। ये सभी इसी के आउटकम्स है आपके, CBD, CCD एंड आपका फोर्थ इज एजेंडा 21st, इसी के आउटकम से। उसमें से आपका जो 1992 CBD है ये 1993 में फोर्स में आया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इस कन्वेंशन का, टू इनकरेज दोज एक्शंस विच विल लीड टू सस्टेनेबल और वायबल फ्यूचर, और इसी के अकॉर्डिंग आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 भी आया, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। तो भाई आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs ये आपका क्या था, ये भी आपका एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो 22 मई 2001 में अडॉप्ट की गई थी स्वीडन में, लेकिन फोर्स में आई थी 17 मई 2004, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, डेंजर्स, ठीक है, डेंजर्स आउटकम्स ऑफ ऑर्गेनिक पोटेंट, जो POPs है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोटेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, उससे एनवायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो भाई ये था आपका, तो ये आपके जो POPs है वो केमिकल्स है जो एनवायरमेंट के साथ में इंटैक्ट रहते हैं आपके काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है, एनवायरमेंट से आपके फेज आउट नहीं होते, तो वो होते हैं आपके। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो गाइस, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक भी यू कैन से कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, सो दैट नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक पे रखूँ। चलिए ओके गाइस, बाय, टेक केयर।